राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है। चुनाव से पहले नेताओं ने जनता से हर बार की तरह कई वादे किए थे। ऐसे में नई सरकार से जनता को क्या उम्मीदें हैं? दौसा के महुआ विधानसभा में भी आमजन के बड़े मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है, इस पर बात की हमारी टीम ने महुआ विधानसभा से विधायक राजेंद्र मीणा से। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्राथमिकताएं जताई और शुरुआती एजेंडा भी एनडीटीवी को बताया। एनडीटीवी का खास प्रोग्राम क्या है एजेंडा, इस मुद्दे पर आज हम महुआ विधानसभा में पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र मीणा जो नवनिर्वाचित विधायक है। विधायक साहब, चुनाव जीत गए है तो उसकी आपको बधाई है। क्या प्रमुख पांच एजेंडे जो जनता के विकास के आपने प्रायोरिटी मिले, वो क्या पांच मुद्दे? मेरे पांच मुद्दों में सबसे पहले मेरी शांति सुरक्षा क्षेत्र में, उसके बाद विकास। तो विकास में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसके अंतर्गत मैंने फिर भी ये सोचा है कि एक तो ईआरसीपी का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूर्वी राजस्थान जो 13 जिलों की योजना है, मेरा भी एक सपना है कि मेरे रहते हुए इन पांच वर्षों में महुआ की जनता को चंबल का पानी या मिले। बात करें कि भाजपा ने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में, कांग्रेस ने भी नेशनल मुद्दा बनाया था कि राजस्थान के चुनाव के अंदर प्रियंका वाड्रा ने दौसा जिले के अंदर बिगुल किया था कि ईआरसीपी बीजेपी सेंट्रल राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। अब आपकी सरकार आ गई है, अभी भी क्या ईआरसीपी की सपना है कि ईआरसीपी के किसानों को पानी मिलेगा? पैराइटी भी आप ले रहे हैं, तो क्या कहना होगा लोकसभा चुनाव नजदीक है? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है कि ईआरसीपी जो 13 जिलों की मेहनती योजना है वो गांव गांव ढांड ढाणी तक पहुंचे। और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2013 में जब माननीय वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक डीपीआर तैयार करके और केंद्र सरकार को भेजी थी और सभी 13 जिलों को उसमें जोड़ने की बात कही थी। लेकिन आपको ध्यान होगा 2013 में मध्य प्रदेश में अलग सरकार थी, तो केंद्र सरकार की ये मंशा थी कि भाई दोनों राज्य सरकारें मिलके 75% की जो डिपेंडिलिटी होती है उसका एक प्रारूप तैयार करके भेजें, क्योंकि केंद्र की जितनी भी बड़ी योजना है 75% पे यो मान्य होती है, 50% पे नहीं हो रही थी। इस कारण से ये काम अटक गया था। लेकिन केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब भी राजस्थान आते थे इन बातों को कहते थे कि हमारे रहते हुए हम 13 जिलों की जो परियोजना है इसको हम जल्दी लागू करेंगे। और 5 साल तक राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार रही, कई बार उनसे निवेदन किया, कई बार मीटिंग करने के प्रयास किए, कभी उनके अधिकारी मीटिंगों में नहीं आते थे, कभी मुख्यमंत्री जी मीटिंगों में नहीं पहुंचते थे। और उन्होंने ये तय कर लिया था कि ईआरसीपी को हम राज्य स्तर पर ही लागू करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी मेहनती योजना है, 40-50 हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, अकेले राजस्थान में इतना बजट नहीं होता। उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया और ईआरसीपी के नाम पर उन्होंने वोट मांगे। लेकिन आपको जानकारी देना चाहूंगा, पूरी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है और निश्चित रूप से जनता को भरोसा है कि जो मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो उसका पूरा करते हैं। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अब निश्चित रूप से लोकसभा से पहले हमारे सभी बड़े नेता इस परियोजना की निश्चित रूप से घोषणा करेंगे और हम भी मांग करेंगे कि लोकसभा से पहले इसकी घोषणा हो जाए, ताकि 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी इस परियोजना को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का काम करे, ताकि किसान भाइयों को पानी मिल सके। बात करें कि ईआरसीपी में वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आती है तो किसानों को और आम जनता दौसा जिला पूर्वी राजस्थान में आता है। मान करें कि पूरी राजस्थान से वर्तमान के अंदर राजस्थान के जो भजनलाल शर्मा है वो सीएम है, तो क्या ईआरसीपी लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी, या फिर ये एक लोगों के और किसानों के लिए जो आज किसान पलायन कर रहा है उसको रोकने की स्थिति में बीजेपी क्या करवाएगी? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है कि पूरी राजस्थान को पहली बार मुख्यमंत्री मिला है और वो भी 33 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। हमें बहुत खुशी है, पूरी राजस्थान की आम जनता से खुश है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि लोकसभा से पहले ईआरसीपी को लागू करें, बजट जारी करें, ताकि लोकसभा के तुरंत बाद ये काम चालू हो जाए।
बात कर रहे थे मन सुरक्षा की, आपकी प्रायोरिटी में सुरक्षा का मुद्दा है, क्या सुरक्षा क्या असुरक्षित है इस विधानसभा में जिसको सुरक्षा करने की आवश्यकता है? भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर एजेंडा मिलाकर चुनाव जीत चुकी है, क्या कहना हो? देखो, आपको पता होगा कि विगत जब 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आपने देखा होगा कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी प्रत्येक मुद्दे को लेकर राजस्थान की धरती पर जयपुर की राजधानी में हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते थे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे युवाओं के साथ धोखा किया हो, चाहे किसानों के मामला हो, चाहे महिला के साथ अत्याचार हो। अब इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है? जो वीरांगनाएं जो देश के लिए शहीद हुए थे, उनकी बेवाओं को गहलोत सरकार की पुलिस ने पीटा, किरोड़ी लाल जी को गिरफ्तार किया, तो निश्चित रूप से उस सरकार में महिला असुरक्षित थी, किसान की जाने गई थी। किसान, आपको पता है कितने भी लोग जो ऋण माफ करने का जो वादा किया था अशोक गहलोत सरकार ने, जब राहुल जी आए थे कि मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा तब तक किसानों को सारा जो भी कर्जा है वो उसको माफ कर देंगे, बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीने के लिए वादा किया था, वो सारे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था, और महिला बिल्कुल असुरक्षित रही है 5 वर्ष तक। तो हमारी सरकार ने भी इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, और निश्चित रूप से हम उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। जनता ने इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, हमारी सरकार बनी है, तो पूरे प्रदेश के अलावा मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक समाज का व्यक्ति असुरक्षित की भावना से नहीं रहे, उसको सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी प्रकार की सुरक्षा हो, चाहे कोई डकैती का मामला है, चाहे चोरी चकोरी का मामला है, चाहे व्यापारियों में व्याप्त। इससे पहले जो पूर्व यहाँ पर विधायक हुआ करते थे वो व्यापारियों को डरा धमकाने का काम करते थे, वो बहुत असुरक्षित थे, लेकिन उनको इस तरीके से दबाया गया था कि वो बोल नहीं पाए थे। और मैं पहले भी यहाँ पर प्रधान रहा हूँ, हमेशा यहाँ सुरक्षा शांति रही है। मेरा एक ध्येय है कोई भी व्यापारी के संग किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व बाजार में जाकर किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं करे, इसमें मेरी पूरी अहम जिम्मेदारी रहेगी। आज मैंने उपखंड स्तर की बैठक में भी सभी पुलिस के अधिकारियों को यही कहा है कि यहाँ पर आज से आप तय कर लें कि यहाँ पर गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, यह शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी। कानून का राज है, तो कानून का राज में आप समझ सकते हो कोई भी असामाजिक तत्व बदमाशी नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ महुआ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर किरोलाल मीणा के भतीजे और नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र मीणा। इनका कहना है कि जो मूलभूत जो सुविधा है विधानसभा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसके अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करेंगे, साथ ही सड़क और जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा उसको योजना पहुंचाने का लाभ देने की बात कही है। साथ ही जो बड़ा मुद्दा है ERCP, किसानों को पानी और सिंचाई के लिए, जनता को पानी के लिए जो ERCP का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं, दौसा जिले के जो लोग हैं पूर्वी राजस्थान के, उनको कहीं ना कहीं ERCP की सौगात देने की बात कही है। कैमरा पर्सन साहब देवेंद्र अरुगा, NDTV दौसा।